हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगी कि वर्डप्रेस में पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से। सबसे पहले आप लोगों को आपका वर्डप्रेस लॉगिन करना है। मैंने वर्डप्रेस लॉगिन किया हुआ है तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लोगों को ये सीखना है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, तो वो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइट विजिट कर लेते हैं एक बार। ये मेरा खुद का ही प्रोजेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग दिल्ली के अंदर। तो सी मैंने कुछ पेजेस बनाए हुए हैं इसमें, होम सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग, वीडियो ट्यूटोरियल एंड कॉन्टैक्टर्स। अब मैं आपको पोस्ट बताऊंगी कि पोस्ट क्या होता है, पोस्ट का यूज़ क्या होता है और पोस्ट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, ये सब पोस्ट ही हैं मेरी, लाइक टॉप पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। तो आप ये भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ वर्डप्रेस। अगर कोई फ्रेशर बंदा है जो वर्डप्रेस सीख रहा है या सीख चुका है और इंटरव्यू देना चाहता है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग्स किए हुए हैं पोस्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पोस्ट कैसे ऐड करते हैं। वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब हम लोग को क्या करना है, पोस्ट ऐड करनी है। तो हम सबसे पहले पोस्ट पर जाएंगे, जस्ट ये अपडेट्स के नीचे होता है, पोस्ट पर जाके ऑल पोस्ट पर क्लिक करेंगे पहले। अभी आपके पास एक भी पोस्ट नहीं होगी तो आपका ये ब्लैंक होगा, बट मैंने पोस्ट बनाई हुई है तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पोस्ट हैं सी। तो चलिए स्टार्ट से करते हैं। अब मुझे न्यू पोस्ट ऐड करना है तो मैं तो यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकती हूँ, और पोस्ट में ऑल पोस्ट के नीचे भी एक ऑप्शन है ऐड न्यू, तो ये दोनों सेम है, आप कहीं से भी ऐड न्यू कर सकते हैं। तो मैं यहीं से ऐड न्यू कर रही हूँ। अब मेरे पास एक पोस्ट ऐसे रेडियो के आ गया, एक पेज। चलिए तो अब मैं एक टाइटल ले लेती हूँ, कुछ भी, जो भी मुझे पोस्ट ऐड करनी है। सपोज मुझे लाइक एक ब्लॉग लिखना है, जॉब चैट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मेरा टाइटल हो गया है। अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चंस लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। सपोज मैंने 3 क्वेश्चन मेरी वेबसाइट से कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए इन्हें सी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड ब्लॉग है। पहले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट में कैटेगरी होती है, कैटेगरी में किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं यहाँ पे, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन, PPC, पाइथन, SEO, SSM। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसी कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरी बनाना बहुत ईजी होता है, एड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे जस्ट, और जो भी कैटेगरी आपको बनानी है आप बना सकते हो यहाँ से। जैसे सपोज मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनानी है, क्लिक एंटर कर देंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी बन गई है सी। अब मुझे इसको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी रखना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रखना है, तो मैंने दोनों टिक कर दिए हैं ये। उसके बाद ये टैग्स हैं। टैग्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, जो भी आप कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, ये आपको हेल्प करते हैं टॉप में लेकर आने के लिए। तो चलिए कुछ टैग्स डाल देते हैं। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इंटरव्यू क्वेश्चन डाल दिया मैंने एक टैग, इंटरव्यू क्वेश्चन AI, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, टॉप AI क्वेश्चंस। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ऐसे हमने 4-5 टैग्स डाल लिए हैं। अब आपको कोई फीचर इमेज लगानी तो आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एक फीचर इमेज। ऐसे आप लोग चाहें तो कोई भी फीचर इमेज लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक इमेज लगा देती हूँ अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए, सपोज मैं यही लगा रही हूँ। अब इसमें आपको ऑल टेक्स्ट देता है और टाइटल देना है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ऑल टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है और टाइटल का क्या यूज़ होता है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और अदरवाइज ऑल टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे पास कोई इमेज नहीं आती है तो हम लोग ऑल टेक्स्ट देते हैं, इनकेस हमें पता चल जाता है कि हमारे इमेज में कोई एरर है अगर हमारा ऑल टेक्स्ट शो हो रहा है तो। और टाइटल वो आपके जो इमेज है और आपका जो पोस्ट है उसके बारे में बताता है कि टाइटल क्या होता है। चलिए इसको सेट कर देते हैं अभी। ये सिर्फ एक डमी है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे SEO के पर्पस से एक
टूल डाला हुआ है दैट इज योस्ट SEO। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, SEO के लिए टाइटल डालना है। आप लोग भी ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मुझे यही टाइटल रखना है अपना, तो मैं यही टाइटल रख लूँ यहाँ पे। और स्लग बेसिकली क्या होता है, ये URL होता है आपकी पोस्ट का, तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा आपके टाइटल के बेसिस पे। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन भी आप यही डाल सकते हैं, जैसे टॉप इंटरव्यू, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ AI, मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय डेल्टा टेक सर्विसेज। आपका डिस्क्रिप्शन कितना भी बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप पे, बट इसकी लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन की, एक दैट इज 160 to 170 कुछ होती है। तो आप लोग ऐसे डाल सकते हैं इसे। और टाइटल की भी एक लिमिट होती है 50 to 60 वर्ड्स के करीब कुछ, तो हमें वो चीज़ भी फॉलो करनी है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको पब्लिश करते हैं। सी ये पब्लिश हो गई है। अब एक बार मैं देख लेती हूँ ब्लॉग पे जाके कि मेरा ब्लॉग पब्लिश हुआ है नहीं। सी मेरा ब्लॉग आ गया है, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ AI। मैंने इमेज प्रीवियसली उठा के लगा दी थी अभी सिर्फ दिखाने के लिए। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे इसमें, सी तीनों क्वेश्चन आ गए। तो इसी तरीके से आप लोग भी पोस्ट ऐड कर सकते हो। पोस्ट ऐड करना बहुत इजी होता है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमारी पोस्ट शो हो गई है। सी टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ AI, ये कैटेगरीज आई हैं इसकी और ये टैग्स आए हैं जो हम लोगों ने डाले हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पोस्ट डाल सकते हो। अगर कोई ब्लॉग करना चाहता है या ब्लॉग लिखना चाहता है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है वर्डप्रेस पे ब्लॉग करने का।